सम्माननीय विधायक महोदय पंडित गिरजा शंकर जी शर्मा, माननीय श्री मधुकर राव जी हरने अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य बीज फार्म विकास निगम, माननीय श्री शिव चौबे जी उपाध्यक्ष गौपालन पशु संवर्धन बोर्ड, माननीय सुंदरदास जी महंत रामजी बाबा समाधि, माननीय श्री अवध बिहारी गौड़ पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद होशंगाबाद, हमारे सम्माननीय पार्षदगण, पत्रकार बंधु, मंचासीन हमारे अतिथिगण, उपस्थित सभी मीडियाकर्मी जिनका हमें सहयोग जो है प्राप्त होता रहा है, और हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले 10 दिवस में हमें हमारे अच्छे कार्यों के लिए प्रशंसा मिलेगी और हमें उनका जो है सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। मैं आप सभी का जो सहयोग हमें दिया, समय दिया, उसके लिए आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम था, फिर भी आदरणीय संजली भैया हमारे क्षेत्र के विधायक जी हमारे बीच आए और इन बच्चों का उत्साह वर्धन किया। इसके लिए नगर पालिका परिषद समस्त मंच की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया करती है, जो कि आपने इतने कीमती समय यहाँ हम लोगों को दिया। हमारे स्थानीय कलाकार बेबी काजल सिंह का आप स्वागत करें। जिसकी शादी पर जाना उसको इतना समझाना, जिसकी शादी पर जाना उसको इतना समझाना, उसको इतना समझाना, न कर शादी ये बर्बादी फिर न पछताना। और वो कहे पतले शादी से पतले, समझो न दिल तो ये शादी को मचले, शादी के मंडप से तू खुद को जगह, हाँ, जगह, हाँ, और कटका है
शादी बन गई उम्र भर की सजा। जी हाँ मित्रों, शादी बोल अड्डू होता है कि जिसे खाकर भी व्यक्ति पछताता है और ना खाकर भी, तो इसलिए पछताना तो निश्चित है, तो खाकर ही पछताना बेहतर होता है। तो लीजिए एक और शानदार प्रस्तुति, और कल इस मंच के माध्यम से माँ भगवती का विशाल जागरण। तो लीजिए कुमारी काजल सिंह, जोरदार तालियां बजाएं।
तालियां कुमारी काजल जी मौजूद होगी और आपके कानों में वो अमृत की राशि घुलेगी कि आप भी अपने जीवन को धन्य समझेंगे। दीपक राय जी और सम्मानीय पार्षद से मेरा अनुरोध है, कृपया माँ की इस आरती में महेश बाबरिया जी, आदरणीय किशन यादव जी और आदरणीय हमारे सम्मानीय पार्षद, अगर ये आवाज सुन रहे हो तो माता रानी की आरती में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। मेरा आपसे पुण्य है तो श्रीमती पांडवी शर्मा जी माता रानी की आरती में पूजन करते हुए, इसके बाद आज हमारा ये माता रानी का जगराता और आप लोग जो भी हमारे आदरणीय बुजुर्ग माता पिता अगर इस मेले में नहीं आ पा रहे हैं तो महेश जी चैनल एवं बाबा जी चैनल के सौजन्य से यह कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठकर भी आप माता रानी के जगराते का आनंद ले सकते हैं। हेलो जी, हेलो सभी भक्तों से निवेदन है, मां माई की आपकी शुरू कराई, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए और एक बार महामाई के दरबार में जोर कर जाकर जयकार श्यामी भारत दरबार की जय, दरबार की जय, दरबार की जय। Oh,
Jai Ho 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 Jai Ho
अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे आज की चीफ गेस्ट श्रीमती मांडवी विजय शंकरी शर्मा का पुष्पहार से स्वागत करें। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जी आदरणीय दीपक राय जी, मुख्य नगर पालिका अध्यक्ष जी कि हमारी आज की चीफ गेस्ट श्रीमती शर्मा का स्वागत करते हुए आप जोरदार तालियां बजाएं। हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी जी श्रीमती शर्मा जी का स्वागत करते हुए आदरणीय किशन मां साहब से भी अनुरोध करूंगा, महेश बाबरिया जी, श्रीमती अनिता राजेश माछिया जी से भी अनुरोध करूंगा, आप भी आदरणीय श्रीमती शर्मा का स्वागत करें। हमारे आदरणीय राजेश सोनी जी से भी अनुरोध करूंगा आप मंच पर आए। आदरणीय अरुण दीक्षित जी, आदरणीय महेंद्र तोमर जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, आप भी आए। आज के हमारे मुख्य गेस्ट श्रीमती शर्मा जी का पुष्पहार से स्वागत करें। सर जी उस तरफ से तोमर जी उस तरफ। इसके बाद मैं आदरणीय नगर पालिका जी अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि आज के हमारे कलाकारों का स्वागत करें। हेलो, ड्रम पर संगत दे रहे हैं आदरणीय मोहन कुमार जी, उनका स्वागत हमारे आशीष जी का स्वागत बाबरी जी करते हुए, दीपक बिचलो जी का स्वागत करते हुए आदरणीय किशन मां साहब, श्री महेश बाबरिया जी केसी पर बैठे भाई साहब का स्वागत करें, अभय गौर जी का, महेंद्र जी का इस स्वागत के बिना कोई ही विराम देते हुए आज का ये मान उन्हें मैं मन सोचता हूँ। एक बार जोरदार माला का जयकारे के साथ बोल जयकारा शेरा वाले ना बोल साथे दरबार की दरबार की दरबार की संत रामजी बाबा की रामजी बाबा की होशंगाबाद की यहाँ तक बात करें माँ नर्मदा का तट और माँ नर्मदा 2885 किलोमीटर में तीन राज्यों में घूम जाती हैं और उन तीन राज्यों में मात्र पूरे हिंदुस्तान में पूरे सफर में माँ के एक होशंगाबाद शहर ऐसा आता है जो कि सबसे करीब माँ के है। इस बात के लिए आप सब बधाई के ओर पड़े। सौभाग्यशाली हैं आप कि माँ नर्मदा माई की बगिया से निकल के अंबार की खाड़ी पर जब विसर्जित होती है उस पूरे के पूरे रास्ते में मात्र एक होशंगाबाद शहर है। याद रखिएगा कि जो शहर के बीचों बीच माई का प्रवेश हुआ है और ये बहुत सौभाग्य की बात है
वही आज का ये कार्यक्रम, आज का ये जागरण। क्योंकि कहते हैं जागरण क्यों कराया जाता है, जागरण किस लिए कराया जाता है, तो उसके लिए किसी भक्त ने क्या खूब कहा है कि है बालक जब कोई रोता ना माँ की आंख सोती है। याद रखिएगा, है बालक जब कोई रोता ना माँ की आंख सोती है, अजब वो रात होती है जो माता पास होती है, और यदि रुचि हो मां मस्ताना तो उसे मनाने के लिए जागरण की रात होती है। तो भाई आज माँ को मनाएंगे, क्योंकि आज इस भाग दौड़ की जिंदगी में, आज ऐसे भागा भागी में हम न जाने क्यों कितने पाप कर जाते हैं, न जाने कितने हमसे कष्ट हो जाते हैं, आज उन सब कष्टों की क्षमा मांगेंगे उस महामाई से। भाई ये दोनों हाथों को जोरदार से ऊपर उठाइएगा, क्योंकि महामाई का नाम है और महामाई के नाम की चोरी करना। बाकी होशंगाबाद के निवासी, उनके बारे में मैंने बहुत सुना है, और उसके बाद आपने मुझे ग्रेट इंडियन लाफ्टर के माध्यम से सुना था, मैं हंसी मजाक लेकर आपके बीच में जरूर आऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा माई को प्रसन्न कर ले, क्योंकि माँ का यदि आशीर्वाद हो गया तो फिर दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं है। भाई ये दोनों हाथों को उठाइए, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो, जिसके हाथ यदि सही सलामत है वो कृपया दोनों हाथों को उठाइएगा। और आज पता चले कि संत शिरोमणि रामदेव बाबा जी महाराज के इस मेले में ये सब महामाई के भक्त आज यहाँ पर आए हुए हैं, और जोरदार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। ऐसा जयकारा लगाइए कि महामाई बैठी हुई है वहां जम्मू में, उस वैष्णो देवी में, उस तक आपकी हाजिरी पहुंच जाए, क्योंकि जागरण में हम तो उस कलाकार जो है अपने साज और बाज से हाजिरी लगाते हैं, और जो सुनने वाले होते हैं उनके लिए हाजिरी लगाने का एक ही यही साधन होता है, महामाई की जयकारा। तो एक बार फिर से जयकारा लगाते हैं, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। चलिए आज की शुरुआत करते हैं, जैसा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उस परमपिता परमेश्वर को याद किया जाता है जिसने हमको रचा, आपको रचा, सृष्टि को रचा, सारी कायनात को रचा, देवों के देव, प्रथम गुरु, प्रथम देव भगवान गणेश जी के बगैर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती, ऐसा हमारे हिंदू धर्म में सिखाया गया है, कहा गया है। तो आइए गणपति बप्पा को याद करते हुए आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करें। आज महामारी के इस जागरण में मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम के तमाम मुख्य अतिथिगणों का, तमाम ऑडियंस का, सभी माँ के लालों का, माँ के भक्तों का, और नगर पालिका के तमाम मेम्बरान का, जिन्होंने बड़ी मेहनत लगन से इस कार्यक्रम को सजाया है, समारा है, माँ का आशीर्वाद परिवार की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। और आइए आवाज देता हूँ मैं इस शुरुआत के लिए मिस्टर संजय शाह, और साथ में माँ का आशीर्वाद जागरण ग्रुप के सभी कलाकार। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि मामाई के दरबार में सभी दोनों हाथ उठा ले, बाबा राम जी की जोरदार जयकारा लगाना है। बोल राम जी बाबा की, राम जी बाबा की, नर्मदा माई की। तो आइए भगवान एपीसीडी के दादा श्री गणेश को बुलाते हैं, तो बोल नरेंद्र महाराज जी की। वक्रतुंड महाकाल सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्न कुरुदे सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ गणगणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। सबसे तालियों के साथ चाहूंगा, रस परसाओ परसाओ आओ जी बजान दे आओ। परसाओ परसाओ आओ जी बजान दे आओ। हम
नायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया लंबोदर महाराज जी के आह्वान के बाद उनको मनाने के बाद उनको आमंत्रण करने के बाद अपने लिए चलते हैं आपको महामाई की उन्हें सुंदर सुंदर भेंटों पे उन अंदाजों पे उन आवाजों पे जो कि आप अक्सर सुनते आए हैं
वही शुरू करूं और श्री गणेश करूं, आगाज करूं आज के इस महामाई के जागरण का। और ये वादा है कि जब तक आप यहाँ पर बैठे रहेंगे तब तक यहाँ से माँ की मीठी मीठी भेंटों का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। तो लीजिए माँ के एक उस भक्त को आवाज देते हैं, माँ के उस लाडली को आवाज देते हैं जिसने अपने गले के माध्यम से, जिसने अपने आवाज के माध्यम से मध्य प्रदेश का नाम पूरे हिंदुस्तान में मशहूर किया है। और रेवा तट की वो लाडली जबलपुर शहर से हमारे बीच में तशरीफ लाई हैं, जिनको आपने कई बार ऑडियो और वीडियो के माध्यम से सुना होगा, देखा होगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा, आवाज दूंगा मैं नीतू बुंदेला जी को। आइए सबसे पहले इस कार्यक्रम को मुझे सौंपा गया है संचालन के लिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहला जो मैं दौर चलेगा वो चलेगा मुलाकातों का, कि हमारे पास कौन कौन से वो महामाई के लाल हैं जो कि अपने गले के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से महामाई के दरबार में आज हाजिरी लगाएंगे। और उसके बाद फिर आज सबसे ज्यादा जो गीत जो भेंटे चल रही है वो, और सबसे आखिरी में जो आप सुनना चाहेंगे। तो लीजिए सबसे पहले मैं आवाज देता हूँ नीतू बुंदेला जी को। आइए चलते हैं माँ भगवती के दरबार में, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं और जहां तक आवाज जा रही है सभी लोग अपने दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाने, यहाँ से जयकारे की आवाज के लिए बार बार आप लोग से बोला गया था, पर माँ के दरबार में आप लोगों से किसी ने भी जयकारा